राम महापर्व। अयोध्या में एक साथ दो दो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। पहले चरण में कल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारी है, जबकि तैयारियों का दूसरा चरण 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का है। अयोध्या में प्रवेश द्वार सजकर तैयार है, जहां 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया जा रहा है, हर तरफ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। उधर अपने यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए भी अयोध्या पूरी तरह तैयार है। मेहमानों के रहने का इंतजाम ऐसा है कि आने वाला जाने की सोच भी ना पाए। कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत के लिए हर तरफ पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। जबकि 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है। और कल अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री अपने हाथों से अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसका पूरी तरह से कायापलट हो चुका है। रेलवे स्टेशन का डिजाइन राम मंदिर की ही तर्ज पर है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन किसी आम रेलवे स्टेशन जैसा तो कतई नहीं है। उसमें ऐसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दी गई है कि स्टेशन के अंदर घुसकर ऐसा लगता है मानो कोई एयरपोर्ट हो। और न्यूज 18 इंडिया की प्रियंका कांडपाल अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, उनका रुख मैं कर लेती हूँ। प्रियंका, अयोध्या कितनी तैयार दिखाई दे रही है? अब तो प्रधानमंत्री कल पहुंचने ही वाले हैं, तो अंतिम चरणों में या कह लीजिए रिहर्सल ही बस हो रहा होगा इस वक्त। जी बिल्कुल, और कल पीएम मोदी जो है वो इस रेलवे स्टेशन में भी आएंगे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले तो परसों तक जो स्टेशन अयोध्या जंक्शन के नाम से था, अब इसका नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया, जिसके बोर्ड्स बकायदा यहाँ पर लग गए हैं। और किस तरीके की तैयारी है वो रेलवे स्टेशन से भी जरा आप समझिए कि यहाँ पर पूरे आप देखें नरेंद्र मोदी पीएम मोदी के कटआउट्स तो है, लेकिन शुरुआत जो होती है वो रामचंद्र के कटआउट से होती है। श्री राम के कटआउट्स यहाँ पर लग गए हैं, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि आपने श्री राम जन्मभूमि में कदम रख लिया है। इस तरीके के पूरे कटआउट्स लगे हुए। एक खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी, स्टेशन का वो स्ट्रक्चर जो ऊपर नजर आ रहा है ये क्राउन शेप में है, मुकुट शेप में है, और ये बताया गया है कि इसे भगवान श्री राम के मुकुट से रेप्लिका के तौर पर बनाया गया है। तो रेलवे स्टेशन में भी जब आप बाहर का आर्किटेक्ट देखते हैं तो एक तो आपको राम मंदिर की झलक आती है, क्योंकि राम मंदिर में अगर आप देखेंगे मुकुट के सामने दो जो अलग स्टाइल से जो गुंबद तो नहीं कहूंगी इसे, जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं दो इस तरीके की, ये स्ट्रक्चर्स जो है राम मंदिर में भी नजर आते हैं। और मुकुट शेप का ये मेन एंट्री पॉइंट है, पूरी तरीके से सजा दिया गया है। आप देखें यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर फूल मालाएं लग रही हैं, पूरी तैयारियां यहाँ हो रही है। और ये इस वजह से भी अहम है क्योंकि कल केवल इस एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन करने नहीं आ रहे हैं पीएम, बल्कि यहाँ से 8 ट्रेनों को, जिसमें से 2 अमृत भारत ट्रेन जो पहली ट्रेनें चलेंगी उनका उनको हरी झंडी दिखाई जानी, उसके साथ साथ 6 वंदे भारत ट्रेन को भी यहीं से हरी झंडी दिखानी जाएगी। तो ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, इसी तरीके से सजा हुआ एयरपोर्ट है, और पूरी अयोध्या नगरी अगर कहे बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आधुनिक चीजों का यहाँ अगर ख्याल रखा गया है तो ख्याल इस बात का भी कि अयोध्या जब कोई पहुंचे तो ऐसा ही लगे कि भगवान राम का ही ये धाम है और वही यहाँ विराजमान है। देखिए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति स्थापित की जाएगी, इस पर 8 फैसला हो सकता है। ये बड़ी खबर, 8 फैसला हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक है और इसी के ऊपर चर्चा की गई है। इसके बाद आज मूर्ति चयन के लिए गठित टीम ने मूर्तियों का निरीक्षण किया। गर्भगृह में स्थापित करने के लिए कमिटी को 3 मूर्तियों में से किसी एक का चयन करना है, और तीनों ही मूर्तियां भगवान के बाल स्वरूप की हैं, जिनकी लंबाई 51 इंच की है। 3 में से 2 मूर्तियां ग्रे कलर की बताई जा रही हैं। और अमित सिंह न्यूज 18 इंडिया के लगातार अयोध्या में ही मौजूद है। अब अमित ये भी बता दीजिए 3 में से वो एक कौन सी मूर्ति होगी, इस पर फैसला 8 शाम तक क्या ले ही लिया जाएगा? संभावित है कि आज फैसला आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा इस पर फैसला, क्योंकि जो मूर्ति चयन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो थोड़ी देर पहले उस स्थान पर गई जहां पर तीनों मूर्तियां बनाई जा रही है, उन्होंने जाकर उसका मुआयना किया। तो जाहिर तौर पर बहुत जल्दी उसका फैसला लिया जा सकता है। अब देखना होगा कि ये फैसला आज शाम तक लिया जाता है या कल या परसों, लेकिन फैसला बहुत जल्दी लिया जा सकता है। निपेंद्र मिश्रा जो कि निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो इस वक्त अयोध्या में मौजूद
है, चंपत राय मौजूद है, इसके अलावा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगले 15 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच जाएंगे, वहां पर भगवान हनुमान के दर्शन पूजन करने के बाद रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो जाहिर तौर पे जो ट्रस्ट के अधिकारी हैं उनसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातचीत होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे, उन तमाम जगहों की समीक्षा करेंगे जहां पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जिन सड़क से यानी धर्मपथ, रामपथ, जन्मपथ, भक्तिपथ होके जहां से रोड शो गुजरेगा उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और चूंकि लगातार जिस तरीके से अयोध्या में मौसम बना हुआ है, काफी कल भी पहुंचने वाले थे योगी आदित्यनाथ, कल उनका दौरा मौसम के चलते रद्द हो गया। अब अभी की अगर हम बात करें कितने वक्त में पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री? देखिए जो समय सीमा है उनकी बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट हार्डली 25 मिनट के अंदर वो हनुमानगढ़ी मंदिर वो पहुंचकर भगवान हनुमान के दर्शन पूजन करेंगे, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचते हैं तो उस दौरान वो भगवान हनुमान के दर्शन पूजन करते हैं, रामलला के दर्शन पूजन करते हैं, आरती करते हैं और उसके बाद वो आगे की अपना जो काम है उसके करते हैं। रामलला का स्वागत करने के लिए किस तरीके से अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है, लगातार आप ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं, लेकिन 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अयोध्या में जोरों शोरों से चल रही हैं। इसी बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसके लिए इंतजाम जो है वो पूरे कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री कल अयोध्या में कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, इस दौरान पीएम एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ एक मेगा रोड शो भी करेंगे। पीएम की जनसभा के लिए पंडाल तैयार हो चुका है, पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। पीएम के कल के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए थोड़ी ही देर में, जिस तरीके से अमित बता रहे हैं, 20 से 25 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और कल के कार्यक्रम से पहले पूरी अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडो से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस के जवान भी शामिल हैं। और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगह पर मौजूद है, रवि सिंह मेरे साथ मौजूद है। रवि, जरा अयोध्या की तस्वीरें दिखाइए, इससे पहले कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जब कल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो किस तरीके की तैयारियां की गई है? तस्वीरें बिल्कुल दिखाऊं और अयोध्या की जो खूबसूरती है उसमें लगातार निखार आता जा रहा है। इस समय मैं राम पथ पर हूं और ये राम पथ जन्मभूमि पथ को कनेक्ट करता है, जन्मभूमि पथ यानी कि राम मंदिर का जहां पर निर्माण लगातार चल रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें, यहां पर किस तरीके से फूलों से सजाया गया है पूरे के पूरे इस रास्ते को, और ऐसे कटआउट लगाए गए हैं एक आकृति, और ये राम भक्त हनुमान, आप देखें भगवान हनुमान, और यहाँ पर फूलों से पूरी की पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। उसके लिए राम कथा पार्क में ट्रकों में भर भर के फूल अलग अलग राज्यों से, शहरों से यहाँ पर पहुँचाया गया है, बैरिकेटिंग की गई है। इसके अलावा देखिए रोड के दोनों किनारे पर यहाँ पर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई है। इस राम पथ को पूरी तरीके से खाली कराया गया है, ट्रैफिक का मूवमेंट इस समय आपको नहीं नजर आ रहा है यहाँ पर, या तो आप पैदल हैं तभी आगे जा सकते हैं, या फिर प्रशासन की या फिर पुलिस की गाड़ियां हैं उन्हीं को अंदर आने के लिए अलाउड किया जा रहा है। आप तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले जो है किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है की गई है। अयोध्या में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले सुरक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो मेरे सहयोगी लगातार दिखा रहे हैं, कोई भी गलती ना हो इसके लिए पीएम के पूरे रूप पर मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा की समीक्षा की गई। अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या धाम तक के रूट पर सुरक्षा का रिहर्सल किया गया, आज होने वाले रिहर्सल को ठीक उसी रूप में किया जाएगा जैसे कि कल जब पीएम अयोध्या पहुंचेंगे उस वक्त सुरक्षा के जो इंतजाम होंगे। और वहीं नेपाल से निकली कलश शोभा यात्रा गोरखपुर तक पहुंच चुकी है, यहाँ के गोरखनाथ मंदिर में शोभा यात्रा के पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। नेपाल से निकली ये कलश शोभा यात्रा गोरखपुर से होते हुए अयोध्या जाएगी, जहां पर 22 जनवरी को नेपाल की पवित्र नदियों से लाए गए जल से राम भगवान का जलाभिषेक किया जाएगा।
तो ये अहम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, गोरखपुर तक ये शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। नेपाल से ये शोभा यात्रा निकली है, अलग अलग नदियों के जो जल है नेपाल की नदियों के, वो इस शोभा यात्रा में मौजूद है और अब इंतजार है इसके अयोध्या पहुंचने का। हम नेपाल वासियों ने भी कुछ करने की कोशिश की, तो यही पूर्व से लेकर पश्चिम जो कि ये मेची से लेकर महाकाली नदी तक काफ़ी सारी नदियां हैं, बिमला कमला सेती नदी दूध कोसी, हमारे देवघाट का है, आर्यघाट का है, हमारे वो बरहा क्षेत्र का है, बहुत सारे काली गंडक की जिसे शिलान्यास भी हम लोग का यहाँ नेपाल के से आया था, जो प्रभु लला का मूर्ति बनाने के लिए आया था उस नदी का भी जल है इसमें। शहर को फूलों से सजाने की तैयारी ने अब जोर पकड़ लिया है। देश के कोने कोने से कई किलो फूल यहां पर मंगाए गए हैं, जिनसे कि सैकड़ों कर्मचारी फूलों की माला और देवी देवताओं की आकृति बना रहे हैं। यहां तक कि थाईलैंड से खास तरह का फूल भी यहां मंगाया गया है, जो कि श्रीराम की नगरी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा है। तस्वीर आपके सामने है, थाईलैंड से मंगाया गया फूल और देश के कोने कोने से फूल यहां पर मंगाए गए हैं, ताकि पूरी अयोध्या नगरी को शुरू से लेकर आखिर तक सजाया जा सके। अयोध्या की रौनक बढ़ रही है, उसकी खूबसूरती बढ़ रही है और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन फूलों का बड़ा योगदान है। अयोध्या के राम कथा पार्क की ये तस्वीरें, यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूलों को लाया गया है और देश के अलग अलग शहरों से मंगाया गया है। ये देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत फूल है और ये बताया जा रहा है कि ये थाईलैंड से है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको थाईलैंड में पत्ता बोलते हैं। ये थाईलैंड से फूल मंगाया गया है और खास फूल होता है, इसको बोला जाता है थाईलैंड का पत्ता। ये देखिए, यहाँ पर फूलों की माला भी बनाई जा रही है, देश के अलग अलग शहरों से फूल मंगाए जा रहे हैं। ये वाले फूल कहाँ से है? ये तो कोलकाता से है। कोलकाता से? हाँ जी। अच्छा, गेंदे का ही फूल? जी जी। कुछ खास होता है कोलकाता वाला, या जैसे गेंदा का फूल होता है अलग अलग शहरों में तो वैसे ही है? नहीं, खास है कुछ इसमें? अच्छा, खराब नहीं होता ये, बहुत फैट होता है, बहुत अच्छा, लंबे समय के लिए चलता है। लंबे समय के? जी जी। तो ये लंबे समय के लिए चलता है। देखिए, ये कितना लंबा बना रहे हैं लड़ी? ये लड़ी बनाते हैं 20 फुट करीब। तो तस्वीर आपके सामने है, अयोध्या फूलों से सज रही है, लेकिन इन फूलों में डिजाइनर गुलाब हर किसी का ध्यान खींच रहे हैं। गुलाब के इन फूलों पर रामलला, राम मंदिर और श्री राम की तस्वीरें उकेरी गई हैं, जिन्होंने गुलाब की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। अहम बात इनके बीच ये है कि ये नकली गुलाब नहीं है, बल्कि असली फूल है ये। गुजरात के एक दंपति ने फूलों पर ये कलाकारी की है। ऐसी कलाकारी के लिए तकनीक तैयार करने में इस दंपति को करीब 4 साल लग गए। राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ था, उस वक्त भी इस दंपति ने अयोध्या में फूल चढ़ाए थे और अब जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तब भी ये फूल अयोध्या पहुंचे हैं।